राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया ने देवघर दुमका के बाद गिरिडीह में भी मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां गिनवाई। डुमरी में विशिष्ट जनों से संवाद किया। दूसरी ओर बीजेपी के नेता राज्य भर में महाजनसंपर्क अभियान में जुटे हैं। अब 22 जून को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद गिरिडीह आ रहे हैं। 2024 के चुनाव में अभी देरी, लेकिन बीजेपी अभी से ही इसकी तैयारियों में जुट गई है। 2024 में फिर से देश में कमल खिलाने के लक्ष्य के साथ महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। इसी के तहत राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया ने गिरिडीह के डुमरी में विशिष्ट जनों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज की जानकारी दी। इससे पहले गिरिडीह में वसुंधरा राजे ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा देश कई एरिया में दूसरे देशों का नेतृत्व करेगा। राज्य भर में बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है। इसी के तहत धनबाद में सांसद पीएन सिंह और प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां गिनाई। तो इस दौरान प्रतुल शाहदेव ने भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार पर भी जमकर हमला बोला। पहले 4 वर्षों में मुख्यमंत्री जी ने 4 गाड़ियां बदल ली, लेकिन समाज के अंतिम पायदान पर खड़े मंगलाग्रह और सविचरा मुंडा की स्थिति आज भी नहीं बदली। 1,000 करोड़ का माइनिंग स्कैम सिर्फ साहिबगंज इलाके में हुआ, रांची में 10,000 करोड़ का स्कैम हुआ लैंड से रिलेटेड, और जो 18 जिले हैं झारखंड में उसमें बताया जाता है कि करीब 20,000 करोड़ के कोयले का अवैध खनन हुआ। 30 मई से शुरू बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान 30 जून तक चलेगा। कार्यकर्ता घर घर जाकर मोदी सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 साल की जानकारी दे रहे हैं। तो दुमका सांसद सुनील सोरेन ने भी मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई, साथ ही अपने कामकाज का भी जानकारी दी। मोर्चा की नीति और नियत को यहाँ की जनता जो है समझ चुकी है। ये जो है सरकार, जो हेमंत सोरेन सरकार है, निश्चित रूप से ये लुटेरा सरकार यहाँ के संसाधन को जो है इन्होंने बेचने का काम कर रहा है। यहाँ के जो है खुलेआम जो है यहाँ पर जो है लूट खसोट चल रहा है, शासन नाम का कोई चीज नहीं है। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान पर कांग्रेस ने अब तंज कसा है। आलमगीर आलम ने कहा, बीजेपी कुछ भी कर ले, अब जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। जनता ये समझ रही कि महंगाई में बता नहीं सकता है, सिर्फ ये नफरत पैदा करके वोट लेने के काम कर रहा है, और इसका जवाब अभी हाल में कर्नाटक के चुनाव में जनता ने दे चुका है। और मुझे लगता है कि जनता भी टीवी अरेंजमेंट करके मीटिंग करे, चाहे किसी अरेंजमेंट करके मीटिंग करे, फायदा कुछ होने वाला नहीं है। 22 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गिरिडीह आएंगे, जिसकी तैयारियों में अब बीजेपी जुट गई है। यानी मिशन 2024 की सफलता को लेकर बीजेपी कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। और न्यूज रूम से जुड़ेंगे सहयोगी राजेश हमारे साथ है। राजेश, बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है, और बात करें राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया की, तो वो 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर थी। मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को बताया गया, और साथ ही 2024 में कैसे अपने आप को स्टैंड करना है और कैसे लोगों का ध्यान आकर्षित करना है, वोट की अपील भी की है। तो कहीं ना कहीं 2024 की जो तैयारी है वो जोर शोर से चल रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए बीजेपी कहती भी रही है कि जब एक चुनाव खत्म होता है तो अगले चुनाव के लिए वो तैयारी में लग जाती है। वो हमेशा ही चुनावी मोड में होने का दावा करती है। और आप देखिए कि एक महीने का जो कार्यक्रम है, चूंकि 9 साल पूरे हुए हैं, यह एक अलग बात है, और 9 साल के कामकाज का बखान भी किया जाना है, उसके लिए जो तैयारी की गई है वो आप देखें कि लोकसभा चुनाव के तैयारी का ही एक की कड़ी के रूप में देखी जा सकती है। आप प्रदेश कार्यालय में देखेंगे कि इतनी सामग्रियां आई हैं, प्रचार सामग्री, ठीक है, 9 साल
में जो काम हुए हैं उनके बारे में वर्णन है, झोला है, झंडा है, बैच है, सारी चीज़ें दिल्ली से आई हैं, कहीं कुछ गुजरात से आई हैं, ये सारे प्रदेश में भेजी जा रही है। पार्टी बूथ स्तर पर इसकी तैयारी कर रही है। अभी देखिए 20 तारीख से 30 तारीख तक जो कार्यक्रम चलेगा वो घर घर पहुंचने का कार्यक्रम है। महाजनसंपर्क अभियान के तहत यह संपर्क से समर्थन एक उप कार्यक्रम आप कहिए, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम है जिसमें हर दरवाजे तक पहुंचने का लक्ष्य बनाया गया। आप समझ जाइए कि पूरे प्रदेश में कितने घर हैं और सभी परिवारों तक पहुँच बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता यह आग्रह करेंगे कि 9 साल में इतना काम हुआ तो एक बार फिर से आशीर्वाद चाहिए, समर्थन चाहिए, और समर्थन इसलिए कि अगली बार भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने और बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए का ही शासन बने। क्योंकि माहौल धीरे धीरे लोकसभा का चुनाव का बनता जा रहा है, कुछ महीने बचे हैं, सभी दल लगे हुए हैं। ठीक है, बीजेपी ज़्यादा आगे है, चल रही है, क्योंकि पूरे देश में यह चुनाव होता है और पार्टी केंद्र में शासन कर रही है, तो वह यह चाहती है कि पूरे देश में यह अलग अलग कार्यक्रम हो। देखिए जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका कार्यक्रम भी 22 जून को गिरिडीह में होने वाला है, एक बड़ी रैली को वो संबोधित करेंगे। आज वसुंधरा राजे सिंधिया अभी तुरंत गई हैं, वो दिल्ली रवाना हुई हैं और 3 दिनों के प्रवास के दौरान वो देवघर, दुमका, गिरिडीह होते हुए रांची आई थी और फिर अब दिल्ली गई हैं। आज ही एक अन्य नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, वो आए थे, उनकी भी प्रेस वार्ता हुई, वो भी जनसंपर्क कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए 5 दिनों के प्रवास पर आए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर आए, इससे पहले और भी नेता आ चुके हैं और आने वाले हैं, कई नेताओं का कार्यक्रम लगा हुआ है और सबका मकसद यही है कि 2024 में पीएम मोदी का हाथ कैसे मजबूत हो, कैसे एक बार फिर से सत्ता प्राप्त किया जाए, इसके लिए सारी कवायद हो रही है। पूरे संसाधन के साथ बीजेपी मैदान में उतरी हुई है। यह अलग बात है कि यह एक महीने का अभियान जो है वो महासंपर्क अभियान के रूप में देखा जा रहा है। आप देखें कि इसमें एक नंबर भी दिया गया है जिसमें समर्थन व्यक्त करना है, उस नंबर पर डायल करवाना है और यह बताना है कि हाँ हम आपका समर्थन करते हैं, यानी मोदी सरकार का समर्थन करते हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में हम समर्थन देंगे यानी वोट देंगे। तो ये पार्टी अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में ज़्यादा आगे है और ये बीजेपी का कल्चर रहा है। कहीं भी आप देखेंगे कि पार्टी हमेशा से अपनी तैयारी संगठनात्मक स्तर पर करती रही है, बाकी चीज़ें होती रहती हैं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग होती है, कार्यक्रम जो डिजाइन किए जाते हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर डिजाइन किए जाते हैं और प्रदेश इकाई को निर्देशित किया जाता है कि कैसे कैसे क्या कार्यक्रम किया जाना है, तो वो सब चल रहा है और आप देखें कि इसका क्या फल मिलता है ये अलग बात है, लेकिन पार्टी पूरी तरह से एक्टिव है और चुनावी मोड पे है। बिल्कुल बिल्कुल राजेश, आपने सही कहा कि पार्टी हमेशा से दूसरी पार्टियों से आगे रहती है। हमने हमेशा देखा है कि बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, वो बहुत अलग है और वो बहुत फायदेमंद होती है पार्टी के लिए हर तरीके से, हर मायने से अगर देखा जाए तो। चाहे वो टिफिन बैठक की बात करें, चाहे अब आगे की जो रणनीति है वो बीजेपी की, वो बिल्कुल अलग होती है और बिल्कुल सटीक होती है और उसका फायदा हमेशा से बीजेपी को मिलता रहा है। देखिए बीजेपी के पास संसाधन बहुत हैं और इसके पास दिमाग देने वाले भी लोग बहुत हैं, कैसे किस तरीके के कार्यक्रम बनाए जाए और लोगों के हृदय तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके सारे उपक्रम पार्टी करती है और साइंटिफिकली तरीके से इसे किया जाता है। आप देखें कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी बीजेपी आरंभ से 2014 में भले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हों या एनडीए का शासन दिल्ली में हुआ हो, लेकिन उससे 2-3 साल पहले से ही डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज बीजेपी करती रही और एक कैंपेन इसके माध्यम से चलता रहा। कि सभी दल उसी मोड में चले गए और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कहीं आगे इन सब से रहती है। वो नब्ज पहचानने में सफल रहती है कि जनता को कैसे
वहां तक पहुंचा जाए, जनता के दिलो दिमाग में कैसे छाना है और कैसे उसको इस राजनीतिक लाभ के लिए कि उसे आने वाले चुनाव में इसका लाभ मिले, ये बीजेपी बहुत बखूबी जानती है और इसका प्रयोग भी करती है। जहां तक जनसंपर्क अभियान की बात है, जनसंपर्क अभियान के माध्यम से लोगों से मिला जाएगा, ऐसा नहीं कि ये आगे या इस तरह के कार्यक्रम नहीं होंगे, कई तरह के कार्यक्रम आगे भी होने वाले हैं, चूंकि ये एक महीने का बड़ा अभियान पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, तो ये इसका स्वरूप हम लोग देख रहे हैं। लेकिन ये आप देखिए कि जुलाई हो, अगस्त हो, सभी महीने में कई कार्यक्रम होंगे, कई बड़े नेता यहाँ आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैली संभावित है। ऐसा नहीं कि लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी तभी चुनावी सभा होगी, उससे पहले भी कार्यक्रम होंगे और कई तरह के कार्यक्रम होंगे। पार्टी की कोशिश है कि झारखंड में जो 12 सीटें हैं एनडीए फोल्डर में वो तो जीते ही, इसके अलावा जो दो सीटें हैं चाईबासा और राजमहल की उसे भी अपनी झोली में डालें, तो इसके लिए सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आप जानते हैं कि दो सीट चाईबासा है और राजमहल है, इसके प्रभारी ये इनका जिम्मा मिला हुआ है अमित शाह को, वो पहले भी आए हैं, आने वाले समय में भी आएंगे। पार्टी के वरीय नेताओं को यहाँ पर लगाया गया है, वो एक एक करके आ रहे हैं, यहाँ पर कार्यकर्ताओं को भी मोटिवेट कर रहे हैं और लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं। अलग अलग कार्यक्रम है, जैसे टिफिन बैठक की बात करें तो टिफिन बैठक का स्वरूप इसलिए बनाया गया है कि इसके दो कॉन्सेप्ट हैं, एक तो ये कि हमें यह दर्शाना है कि सभी नेता जो हैं एक बराबर हैं, बड़े नेता छोटे नेता जो भी घर से लोग अपना भोजन बना कर लाएंगे, चाहे वो सूखी रोटी लेकर आए या कोई पूरी लेकर आता है, सभी बैठ कर खाएंगे, तो एक समानता का भाव उत्पन्न होगा कार्यकर्ताओं के बीच और ये महसूस कराने का प्रयास होगा कि किस प्रकार से पार्टी जो है सभी को साथ लेकर चलती है। और दूसरा इसका कॉन्सेप्ट यह है कि जो कोई भी बैठक होती है उसमें जो नाश्ते पानी की व्यवस्था होती है उसका लोड किसी पर नहीं पड़े, पार्टी के कार्यकर्ता खुद इसका वहन करें और जो भी कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर वो अपने स्तर से जो भी लाते हैं उसको शेयर करते हैं और जो एक जरूरत होती है नाश्ते की या भोजन की, इस एक कंट्रीब्यूशन है पार्टी कार्यकर्ताओं का। कॉन्सेप्ट यही है कि पार्टी के कार्यकर्ता सभी स्तर पर सहयोग करते हैं कार्यक्रम में, जो एक किसी संगठन पर बहुत ज्यादा आर्थिक बोझ ना पड़े, यह भी एक कॉन्सेप्ट नया डेवलप किया है पार्टी ने, ताकि टिफिन बैठक में इसी तरह की दृश्य देखे जाते हैं कि लोग अपने अपने घरों से खाना भोजन बना के लाते हैं और मिल बैठ कर खाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि लोग अगर 100 में से 50 कार्यकर्ता भी भोजन बना के लाते हैं तो 100 लोग उसमें से उन्हें ग्रहण करते हैं, तो एक समानता का भाव तो बनता ही है। साथ ही किसी जो आयोजक है, जो अगर कोई पार्टी की इकाई आयोजित कर रही है उस कार्यक्रम पर, उस पर भी कोई बोझ कम पड़ता है और आयोजन में काफी खर्चा होता है, इस लिहाज से भी पार्टी ने ये एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। तो यूँ समझे कि लोकसभा चुनाव का आगाज, चुनाव भले अगले साल होगा लेकिन पार्टी के स्तर पर तो इसकी तैयारी पहले से ही चल रही है और आज इसमें गति आई है और आने वाले समय में और भी स्पीड अप होगी। राजदा, बिल्कुल राजेश, अब 22 जून को जेपी नड्डा का आना तय है और जाहिर तौर पर जेपी नड्डा का जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर है और जाहिर तौर पर लोग उन्हें सुनना भी पसंद करते हैं और जिस तरीके से उनका काम है उस वो भी हर एक इंसान उससे वाकिफ है कि उनका काम कितना सटीक होता है, उनका विजन जो क्लियर है, तो जाहिर तौर पर इसका जेपी नड्डा का आगमन भी बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा। तीन ही चेहरे हैं प्रमुख रूप से, प्रधानमंत्री तो हैं ही, इसके अलावा अमित शाह हैं और तीसरे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये तीन चेहरे ही अभी पार्टी का को आगे प्रेरित करने के लिए, लोग कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के काम में आते हैं। प्रधानमंत्री को तो बहुत सारा काम रहता है इसलिए वो उतना समय नहीं दे पाते हैं, गृह मंत्री के तौर पर भी अमित शाह का कार्यक्रम बहुत सारा रहता है, फिर भी वो देखिए राजनीतिक कार्यक्रम में जाते हैं। उसी तरह से चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनके पास यही संगठन को मजबूत करना, संगठन को विस्तारित करना, संगठन को इस तरीके से तैयार करना कि वह सत्ता प्राप्त कर सके, वो सीधा सीधी जिम्मा जेपी नड्डा पर है और वो उनका कार्यक्रम गिरिडीह में होने वाला है, बड़ी तैयारी हो रही है, अधिक से अधिक संख्या में लोग इस रैली में पहुंचे, यह प्रयास प्रदेश स्तर से हो ही रहा है, स्थानीय स्तर पर भी हो रहा है।
तो उनके भाषण का, उनके संबोधन का असर होता है। बड़े नेता जब आते हैं तो वो कन्विंस करते हैं, और जो एक भाव उत्पन्न होता है लोगों के बीच कि इस पार्टी के काम काज कैसे रहे हैं, उसका विश्लेषण लोग, जनता करती है, और उसके बाद वह निर्णय लेती है कि आने वाले चुनाव में किसका समर्थन किया जाना है और कैसे किया जाना है या नहीं किया जाना है। तो जेपी नड्डा की रैली की तैयारी चल रही है और उनके कार्यक्रम सफल हों, इसमें सारी ताकत पार्टी के नेताओं की लगी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।